एक उत्पाद एक जिले के तहत लहसुन अचार अब बीपीएल चौराहा सभ्यता सुपरमार्केट पर भी बिकेगा, कलेक्टर विधायक ने किया निरीक्षण। एक उत्पाद एक जिला के तहत लहसुन का अचार अब मंदसौर शहर के बड़े मॉल एवं किराना दुकानों पर भी उपलब्ध होगा। मंदसौर विधायक व कलेक्टर ने सभ्यता सुपरमार्केट काउंटर का किया अवलोकन। एक जिला एक उत्पाद के तहत मंदसौर जिले की लहसुन गार्लिक अचार पूरे देश में बिकना प्रारंभ हो गई है। अभी तक मंदसौर जिला फिल्म उत्पादक अथवा स्लेट पेंसिल उद्योग के नाम से जाना पहचाना जाता था, लेकिन अब मंदसौर जिले की पहचान लहसुन गार्लिक मंदसौर के नाम से भी पूरे देश में होने लगी है। इस पहचान को बढ़ाने के साथ साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व सहायता समूह के माध्यम से महिला लहसुन का अचार बना रही है और यह अचार जिला प्रशासन सहकारी समिति के माध्यम से अभी तक बिक्री कर रहा है। मंदसौर का यह अचार अब मंदसौर शहर की बड़ी दुकानों एवं छोटी दुकानों पर भी धीरे धीरे मिलने लगेगा। गुरुवार को बीपीएल चौराहा स्थित सभ्यता सुपर मार्केट पर मंदसौर का लहसुन का अचार आमजन के लिए उपलब्ध हो गया है। उसी को लेकर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और जिला कलेक्टर गौतम सिंह ने सभ्यता सुपर मार्केट पहुंचकर महिला स्व सहायता समूह द्वारा तैयार अचार के स्टॉल का निरीक्षण किया। यहाँ सुपरमार्केट के संचालक ने बताया कि हम प्रयास करेंगे कि मंदसौर का यह अचार हम विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर सकें। मंदसौर सभ्यता सुपरमार्केट के संचालक द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बाहर विदेश भी यह अचार भेजा जाएगा। मंदसौर कलेक्टर गौतम सिंह और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि एक उत्पाद एक जिला के तहत लहसुन का अचार अब मंदसौर शहर के बड़े बड़े क्षेत्रों में भी भेजा जाएगा। मंदसौर, जावरा, रतलाम, नीमच, इंदौर व विदेशों में भी भेजने की तैयारियां की जा रही है और इस अचार की अच्छे से पैकिंग को लेकर भी तैयारी की जा रही है, जो कि बाहर अन्य देश भी इस अचार को भेजा जाएगा। कल हमें श्री कलेक्टर साहब के यहाँ से सूचना मिली कि आज मीटिंग है, एक जिला एक उत्पाद के तहत लहसुन के ऊपर एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मुझे अवसर हुआ बात करने का। तो मैंने अपने विचार रखे और हमने कहा कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आजीविका बैनर तले काम हो रहा है और महिलाओं का उत्पादन, महिलाएं काम कर रही है उसमें। तो मैंने कहा था हम तो बेचेंगे ही, साथ में हम कोशिश करेंगे कि यूएई में, मिडिल ईस्ट में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ से उत्पादन बाहर बेचने की कोशिश करें। मंदसौर का नाम भी होगा, चूँकि लहसुन का उत्पादन मंदसौर में होता है और ये पूरा होममेड तरीके से अचार बनाया गया है, ऐसा सर ने हमें बताया है। और बहुत अच्छा, इसमें यूनिक चीज़ें हैं। अचार तो है ही एक सूखी चिप्स, सूखा मसाला, ये एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है और मुझे विश्वास है कि महिलाओं का जो श्रम है बिल्कुल सक्सेस जाएगा और इसमें आजीविका भी होगी और मंदसौर का नाम भी होगा और मध्य प्रदेश का नाम होगा, साथ में भारत का नाम होगा। धन्यवाद। देखिए, दिया तले अंधेरा नहीं होना चाहिए और जब मंदसौर में लहसुन का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब एक जिला एक उत्पाद में नारा दिया है, उन्होंने संकल्प लिया है, तो मंदसौर जिला भी लहसुन के उत्पादन को लेकर के जिस प्रकार से प्रचुर मात्रा में लहसुन होती है, हमने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठ करके और लहसुन को उसमें चयनित किया। और जब लहसुन इसमें चयनित हुई है तो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह, और देखिए तो पैकिंग भी उन्हीं के माध्यम से हो रहा है, तो ये लहसुन अगर बाहर जाएगा, लहसुन का अचार है, लहसुन की चिप्स है, लहसुन का पाउडर है, तो मंदसौर के मॉल्स में, मंदसौर के बड़े बड़े जो हमारे दुकानें हैं, संस्थान हैं, उसमें क्यों नहीं जाएगा। तो आज कलेक्टर साहब ने मुझसे कहा कि विधायक जी, हमने सभ्यता जो किराना स्टोर है, मॉल है, उसमें आज से इसको रखना प्रारंभ किया, उसको हमने इसको लॉन्च किया है। और ऐसे मंदसौर में अगर 10 बड़े मॉल भी होंगे, फिर चाहे रतलाम में हो, चाहे उज्जैन में हो, चाहे इंदौर में हो, चाहे जबलपुर में हो, वहाँ पर भी हम इसकी इसको भेजने का काम करेंगे, क्योंकि महिलाएं स्व सहायता समूह के माध्यम से इसको बनाने का काम कर रही, पैकिंग वो कर रही हैं, तो हमारी संस्थानों पर भी, हमारे नगर में भी इसका स्वाद, जब हम इसका कह रहे हैं कि ये इसको दिया मंदसौर गार्लिक और मंदसौर का जायका, अगर गार्लिक मंदसौर वाला ही नहीं खाएंगे जो पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो दिया तले अंधेरा वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए आज से हमने स्टार्ट किया है इसको, और पहला शोरूम हमारा कहते हैं या पहला मॉल कहते हैं, हमने इसको चयनित किया है और इसका प्रचार प्रसार हम बहुत करेंगे। हाँ, ये हमने शुरुआत की थी 10 किलो से। पहले जो हमारी महिलाएं थी जो डिफरेंट शिविर और वहाँ खुद बेचती थी, फिर हमने विंध्या वैली के साथ MOU किया, तो जो खादी ग्राम उद्योग के डिफरेंट रिटेल स्टोर्स है वहाँ बिक रहा है,
और आज हमने शुरुआत सुपर स्टोर में कर दी है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ रखा हुआ है, अब जो है यहाँ से भी बिकेगा। और आज ही डिस्कशन के दौरान ये आया कि इस बात की बहुत संभावना है कि इसको हम विदेश में भी बेच सकें। तो विदेश भेजने के लिए जो स्पेशल पैकेजिंग, थोड़ा बेटर क्वालिटी की पैकिंग, बॉटल, ढक्कन और वो सब करना है, उसके संबंध में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है हमारा मंदसौर का गार्लिक जो अचार है, जो हमारी बहनें बना रही हैं, ये विदेश में भी उपलब्ध हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है हमारे लिए।